मैं ये नहीं, ये अभी कह नहीं सकता। हालांकि मेरे भी कई जगह सुनने में ऐसा आया है कि धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व की बात करते तो हिंदुत्व की ही बात करें, लेकिन वो कभी कभी जो राजनीतिकरण करने लगते हैं ना, मुसलमानों को अपना मित्र बताने लगते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मुस्लिम कभी किसी का मित्र बन ही नहीं सकता। आप एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हो, एक तरफ मुसलमानों को बैठ कर आप कथा सुनाते हो, ये कौन सी दोहरी राजनीति है? संत को राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं सनातन धर्म का व्यक्ति, तो सनातन की ही बात करूंगा, मेरे को मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये देश सिर्फ हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा, मेरी सीधी सी बात है। यहाँ से मुसलमानों का रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो यहाँ के मुसलमान यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? जाओ पाकिस्तान, आप फिर भी आप रह रहे हो, मैं मानता हूँ, चलो आपको रहने की इजाज़त है, परमिशन है, आप रहो भारत के अंदर, आप रहो, लेकिन भारत क्या खाते हो, भारत को घुराते हो, ये कौन सी राजनीति है? तो इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहूंगा कि आप जो भी बात करें, सनातन के लिए आप सनातन की ध्वज पताका को लेकर खड़े हुए, हिंदुत्व की ध्वज पताका को लेकर खड़े हुए, लेकिन आज आप अपनी कथा के अंदर मुल्लों को आगे बिठाते हैं, टोपी लगा के मुल्ले आपकी कथाओं में बैठे हैं। आप ये बताइए, क्या मुल्ला आपकी सनातन धर्म को पढ़ सकता है? क्या मुल्ला रामचरितमानस की चौपाइयों को जानता है? क्या मुल्ला आपकी श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक बोल सकता है? क्या वो आपकी विचारधारा के साथ आपके सामने बैठा है? नो, वो सिर्फ राजनीति के कारण आपके सामने बैठा है, और हम ये राजनीति धर्म के साथ नहीं होने देंगे। धर्म एक अलग पार्ट है, राजनीति एक अलग पार्ट है। आप राजनीति को धर्म में समावेश नहीं कर सकते, धर्म धर्म है, लेकिन हमारे यहाँ जिस प्रकार धर्म गुरु राजनीति में समावेश कर रहे हैं धर्म को, वो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए।